देखने में। ये लास्ट टाइम का होमवर्क था, ये लास्ट टाइम का होमवर्क था, इसके पीछे ही आपकी शीट जितनी भी है क्लास में जो बैठे हैं, ठीक दी थी ना लास्ट टाइम ये वाली, अब किसके पास नहीं है ये वाली, और आपको छोड़ के इन छह को अभी जो उसके अलावा बाकी के पास है, अब मिलेगी 2 मिनट में। तो जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो शीट नंबर अपना 67 ही लें, और सेंटर ऑफ मास से हम स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक डेफिनेशन है कि सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, पॉइंट समझते हो, सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है, लोकेशन है जहां पर ये मानना जाता है, हम ये मानते हैं इमेजिनेशन में, इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर ये माना जाता है कि सारे का सारा मास पूरी बॉडी का उस पॉइंट पर पड़ा हुआ है। रियलिटी में वहां पर मास पूरी बॉडी का नहीं है, लेकिन हम अपनी कैलकुलेशन के लिए ये मानते हैं सारे का सारा मास वहां पर पड़ा हुआ है। जैसे मैंने एग्जाम्पल काफी बार दिया, फिर देखते हैं, जैसे ये एक बॉडी है, इसका मास रियलिटी में हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां पर भी हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर अगर मैं इसे बैलेंस करने की कोशिश करूं तो मैं सेंटर में फिंगर रख के इसे बैलेंस कर सकता हूं। तो मैं ये मानता हूं कि इस बॉडी का पूरा मास इस पॉइंट पे पड़ा हुआ, और जहां पर मैं फिंगर को रखा और ये मास बैलेंस हो गया, क्योंकि जहां पर टोटल मास है वहां टोटल वेट है, और मैंने वहां पर इसको बैलेंस कर लिया, और ये बैलेंस हो भी जाती है, ठीक। जबकि रियलिटी ये है, मैं फिर कह रहा हूं, मासेस हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हम ये फिर क्यों स्टडी कर रहे हैं, जब मासेस हर जगह ही डिस्ट्रीब्यूटेड है तो फिर स्टडी करने का फायदा क्या है? फायदा ये है क्योंकि हम इतने सारे मासेस के साथ कैलकुलेशन कर नहीं पाएंगे, बहुत n नंबर ऑफ मासेस है, m1 m2 m3 अप टू mn, तो इतने सारे मासेस को स्टडी नहीं कर पाएंगे। हम क्या करेंगे, हम ये चाहते हैं कि एक ही मास पे सारी कैलकुलेशन हो जाए, ओनली ऑन सिंगल मास। तो अगर एक ही मास के ऊपर सारी कैलकुलेशन करनी है तो वो लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी उस पॉइंट की जहां पर मैं इस फिंगर को रखूंगा और मेरा काम बन जाए। तो वो जो लोकेशन है उस लोकेशन को सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बोला जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहां तक पहले, तो ठीक है। दूसरा, यहां पर हम ये क्यों कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं ताकि हमारे क्वेश्चन क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ताकि हम अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाए, अदरवाइज बहुत सारे मासेस इन्वॉल्व हो जाएंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब प्रैक्टिकली मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड होते कैसे हैं बॉडीज के ऊपर, ये भी थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं। जैसे हमने अभी तक पॉइंट मास पे ही काम किया, जो हम काम करते हैं वो पॉइंट मास के ऊपर काम किया, हमने कहा चाहे कार है चाहे कोई भी बॉडी है उस पर एफ फोर्स लगती है और वो बॉडी आगे मूव करती है, तो वी अप्लाई एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम ये तो नहीं कहते कि जो ब्लॉक है उसका मास एम है वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम कहते हैं टोटल मास एम है, बात खत्म हो गई, ठीक। तो टोटल मास एम है और वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस्ड है, हम शेप के ऊपर कभी कंसिडर करते ही नहीं कि वो कहां पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, अब जैसे कई बार क्वेश्चन आएगा, ये मान लो एक एक रॉड है और जिसके ऊपर मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब मैं बोलता हूं लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब कि इसकी थिकनेस बिल्कुल भी नहीं है, बहुत पतली वायर है ये, बहुत पतली सी एक रॉड है जिसकी कोई थिकनेस नहीं है। यहां पर डीएम मास है, यहां पर डीएम मास है, यहां पर डीएम मास है, एंड सो ऑन, इकट्ठे करते जाओ, टोटल मास क्या जाएगा पूरी इस लेंथ का, एम, और टोटल लेंथ कितनी है, एल। तो हम ये बोलते हैं मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दी लेंथ ऑफ दी रॉड या लेंथ ऑफ दी वायर, ठीक। लेकिन कई फिगर्स ऐसी हैं, जैसे चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक रिंग है, पतली सी रिंग है, रिंग अंदर से खाली है, तो यहां भी मास है, यहां भी मास है, यहां भी मास है, यहां भी मास है और यहां भी मास है, तो मास फिर से कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर दी लेंथ ऑफ द रिंग। तो मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? आगे, अब कई बॉडीज ऐसी हैं जैसे कि डिस्क है, एक डिस्क है जिसकी थिकनेस मैंने नहीं कंसिडर की, जैसे ये एक डिस्क है, डिस्क है, इसकी थिकनेस यहां तो काफी बड़ी है पर मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, बहुत पतली डिस्क है जिसकी कोई थिकनेस नहीं है, बस शीट है, डिस्क तो नाम की है, शीट है। तो वो जो डिस्क या शीट है इसके ऊपर मास बोलो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स एरिया। तो डिस्क के ऊपर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स एरिया,
लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी हैं जैसे कि सॉलिड स्फेयर, ये मान लो अंदर भरा हुआ है एकदम, बिल्कुल अंदर लोहा लोहा भरा पड़ा है, जो भी मटेरियल भरा पड़ा है, तो ये एक सॉलिड स्फेयर है। जो सॉलिड स्फेयर है इसके ऊपर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, बोलो, मास ओवर इट्स वॉल्यूम, क्योंकि अंदर भी मास है और ऊपर भी मास है, तो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम। ठीक, जैसे इमेजिन करो आपके पास एक स्फेयर है, फिर से स्फेयर है, ठीक, एक स्फेयर मान लो अंदर से हॉलो है, तो बोलो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, सरफेस एरिया के ऊपर है, क्लियर है यहां तक। जैसे एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर अंदर से भरा हुआ है, पूरा मटेरियल से भरा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर है, बोलो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर वॉल्यूम। एक सिलेंडर है अंदर से खाली है, हॉलो है, बस सरफेस के ऊपर ही मास है, तो बोलो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया। यानी कि ये अलग अलग तरीके से मास डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसिडर करेंगे इस चैप्टर में। सेंटर ऑफ मास पे बाद में आ रहा हूं, पर यहां तक क्लियर है कि मास किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम किस शेप को स्टडी कर रहे हैं। यहां तक कोई डाउट? तो नॉर्मली हमने इन चीजों को सीखा भी हुआ है वैसे, पर आपने कभी इतना नोट नहीं किया होगा कि जैसे सपोज करो, सपोज आपके पास ये एक कोई भी बॉडी है और इसके अंदर मास ही मास है, मान लो स्फेयर है और ये एक सॉलिड स्फेयर है, राइट? तो इसका मास कितना है, मान लो m, और कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर इट्स वॉल्यूम, तो v वॉल्यूम में m मास है, तो ये मैंने क्या ले लिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सुना हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो ये आपने पढ़ी हुई है 9th, 10th और 8th में कि मास कितने वॉल्यूम के अंदर पड़ा हुआ है, उसको मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी, राइट? ये डेंसिटी है, या फिर इसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, वॉल्यूम रादर वॉल्यूम मास डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी की जगह वॉल्यूम मास डेंसिटी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? और इसका सिंबल हम क्या लिया करते थे, रो। रो ये बाय डिफॉल्ट जब कोई हमें बोलता है ना फाइंड द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, हम बाय डिफॉल्ट मास बाय वॉल्यूम ही कर देते हैं, लेकिन आज के बाद देखना पड़ेगा, अब डेंसिटी हमेशा मास पर यूनिट वॉल्यूम थोड़ी ना होगा। जैसे अगर मैं आपको कहूंगा कि एल लेंथ में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी डेंसिटी पता है क्या होगी, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम तो निकल ही नहीं सकता, इसकी थिकनेस तो है ही नहीं, इसकी तो सिर्फ लेंथ है, तो इसका वॉल्यूम तो निकल ही नहीं सकता, तो क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ। कोई डाउट इसमें? तो इस डेंसिटी का सिंबल भी चेंज करेंगे, रो तो रखेंगे नहीं, इसका सिंबल हो जाएगा लैम्डा। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम का सिंबल रो, मास पर यूनिट लेंथ का सिंबल लैम्डा, और इसका नाम भी चेंज करेंगे, इसको नाम देंगे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर जब वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है लेंथ वाइज, क्लियर है यहां तक? वो वॉल्यूम डेंसिटी है, ये लेंथ वाइज डेंसिटी है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, मान लो ये आपके पास डिस्क है, डिस्क है, डिस्क का मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिस्क का एरिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सरफेस मास डेंसिटी, क्योंकि जब वर्ड सरफेस आ जाता है इसका मतलब सरफेस एरिया, सरफेस मास डेंसिटी, इसका सिंबल पता है क्या होता है, सिग्मा। तो तीन तरीके की डेंसिटीज डिफाइन की जाती हैं, मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा, मास पर यूनिट वॉल्यूम रो। अब ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल के अंदर देखेंगे इसे। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता, मास ऐसे डायमेंशन नहीं देखना, मास की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है। आपने उसके अंदर अगर भरना स्टार्ट किया, उसका वॉल्यूम भरना स्टार्ट कर दिया, अगर आपने सरफेस सरफेस एरिया के ऊपर ही मास रखा, तो यानी कि पर यूनिट एरिया रखा, तो वो कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ये नहीं है कि वॉल्यूम या एरिया ऐसे लिया, मतलब इसकी ये नहीं कि इसका डायमेंशन, देखो डायमेंशन में लेना है तो एरिया ले लो ना, जैसे इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर का एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर एच, या जो भी आप उसमें लेते हो, सॉरी जो आप एरिया लेते हो 2 पाई आर एच,
पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सिलेंडर के केस में मास उसका जो एरिया है उससे डिवाइड हो जाएगा, कितने एरिया पे इतना मास है, बात खत्म। ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है, ठीक। तो इस चैप्टर में हम इन चीजों को यूज करेंगे, पर अभी नहीं, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी तो चैप्टर ओपन ही नहीं किया मैंने, बस मैं बता रहा हूं कि हम सिर्फ पॉइंट मासेस को स्टडी नहीं करते, मासेस बॉडी पे ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ताकि आपका एक व्यू अब चेंज हो गया ना, क्योंकि अभी तक आपको जब क्वेश्चन दिया जाता आप कहते टोटल मास कितना है, मैं बोलता था एम, बात खत्म। अब बात ही नहीं करते थे मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, तो अब हमारे माइंड में हो गया कि जो मास है वो तीन तरीके से और डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। इसको मैं टाइम के साथ यूज करना सिखाऊंगा, इसको कैसे यूज करना है, फिलहाल मैं बात करता हूं सेंटर ऑफ मास की। अब क्यों बात कर रहा हूं इसकी ये भी सुन लो, फिर अगर बाद में बात करनी है तो क्यों करनी है अभी बता भी देता हूं। जैसे इमेजिन करो आपके पास सपोज ये एक पेन है, इस पेन के अंदर मास वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके ऊपर भी और इसके अंदर भी है, राइट, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके अंदर अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली का मतलब जितना मास यहां पर है उतना यहां पर है, उतना यहां पर है उतना वहां पर है, उतना यहां पर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां मिलेगा? सेंटर पे। सेंटर ऑफ मास का मतलब कि इमेजिन करो अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूंगा तो मैं अब इसको अपने सेंटर ऑफ मास, फिंगर को सेंटर ऑफ मास पे रखूंगा और ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मैंने कहां पे रखा इसे, एक ऐसे पॉइंट पे फिंगर को रखा जहां पर इमेजिन किया जा रहा है होल मास का होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, मान लिया। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है मास का तो सेंटर ऑफ मास कहां पाया जाएगा, सेंटर पे। पर इमेजिन करो ये पेन यहां से मटीरियल, लोहे का मटीरियल ज्यादा मास है, चलो लोहे का छोड़ो, ज्यादा मास है, यहां पर थोड़ा कम मास है। अब देखो ये कैसे हो जाएगा, उसी पॉइंट पर जब बैलेंस करेंगे ये ऐसे हो जाएगा, ऑब्वियसली ये भारी है ये हल्का है, तो मेरे को बैलेंस करने के लिए फिंगर को कहां मूव करवाना पड़ेगा, जहां भारी मास है, तो ये बैलेंस हो जाएगा जहां भारी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया कहां, जहां ज्यादा मास पड़ा हुआ है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर पे पड़ा होगा ये कोई जरूरी नहीं है। सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, जहां ज्यादा मासेस पड़े हुए हैं, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन भी उन्हीं के ऊपर उस तरफ शिफ्ट हो जाती है। मैंने एक और एग्जांपल भी लिया था, मान लो ये रूम है, ये रूम एक बॉक्स है और हम सबके मासेस डिफरेंट हैं, कोई इस रूम को नीचे से जाके फिंगर पे उठाना चाहता है और बैलेंस करना चाहता है हम लोगों को, तो अगर हम सभी एक, हम सबका मास एक जैसा है और रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई जाके सेंटर ऑफ रूम पे उठा देगा, रूम अपने हाथ में उठा लेगा। लेकिन अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन देता हूं सारे के सारे स्टूडेंट इस तरफ शिफ्ट हो जाओ, तो जब वो सेंटर से उठाएगा तो रूम ऐसे गिरने की कोशिश करेगा, तो वो अपने फिंगर को कैसे कर लेगा, इधर ले आएगा, ताकि रूम को बैलेंस करना है, कहां पर, जहां पर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, जहां पर ज्यादा मास है। इसका मतलब कि सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो जाएगा, जहां ज्यादा मासेस है। कोई डाउट इसमें? इसका मतलब क्या हुआ इन शॉर्ट, सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करता है, आप सभी मासेस की लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप में से सब अपनी लोकेशंस को चेंज कर लेंगे तो सेंटर ऑफ मास भी अपना कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। क्लियर है यहां तक? फिर करते हैं, तो मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर सपोज करो हम सब मासेस हैं M1, M2, M3 अप टू MN, हम सब मासेस हैं और इमेजिन करते हैं कि हम सब अपनी जो है अपनी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस रूम के अंदर, तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर है, सेंटर पे है। देखो सेंटर ऑफ मास ये नहीं है कि हमेशा किसी स्टूडेंट के अंदर ही निकल के आएगा, यहाँ हवा में निकल के, इमेजिनरी है ना, हम इमेजिन करते हैं कि हम सबका सेंटर ऑफ मास रूम के सेंटर पे है।
लेकिन मैंने फिर एग्जांपल लिया, अगर हर कोई अपनी लोकेशन चेंज कर लेगा और सारे उठ के यहां जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं कहीं आ जाएगा, चाहे इमेजिनरी पॉइंट है दिख नहीं रहा लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बीच में रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो सेंटर ऑफ मास किस पे डिपेंड करेगा? सेंटर ऑफ मास सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करेगा कि आप सब बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना है मुझे, पूरी क्लास का मतलब इसमें जितने भी लोग हैं उनका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो डिपेंड करेगा कि आप के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, आप कहां पर खड़े हुए हो इस रूम के अंदर। अगर आप अपनी लोकेशन रूम में चेंज करते हो तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी लोकेशन क्या कर लेगा, चेंज करेगा। क्लियर यहां तक? तो कैसे ढूंढा जाए पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये इस चैप्टर का काम है। कोई कहते हैं उसमें क्या है, सेंटर ऑफ मास का नाम ही सेंटर है तो हमेशा सेंटर पे निकल के आएगा। नहीं, मैंने एग्जांपल दिया, सेंटर पे सिर्फ तब निकल के आता है जब मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम, तो फिर वो कभी सेंटर में निकल नहीं आएगा, वो हमेशा ज्यादा मास की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर यहां तक? तो फिर हमें ढूंढना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास क्या है। तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, तो क्वेश्चन आएगा सेंटर ऑफ मास के यूनिट्स बोलो क्या हैं, केजी, ट्रू और फॉल्स? सेंटर ऑफ मास मास तो केजी होगा? नहीं, सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन है, इसके क्या निकलेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास तो लोकेशन है, इसके एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। ये 10 किलो या 5 किलो का पॉइंट नहीं होता, पॉइंट है, पॉइंट मैथ्स में लोकेशन, पॉइंट की लोकेशन होती है, पॉइंट का भार थोड़ी ना होता है कोई। हाँ, वहां पर मास पड़ा हुआ है तो बात अलग है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां पर सारा मास बॉडी का पड़ा होगा, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। क्यों एज्यूम करते हैं? क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी, हमें बहुत सारे मासेस को स्टडी नहीं करना पड़ेगा, हम एक ही मास पे अपना काम करेंगे और हमारा वही आंसर आएगा कि अगर हम सारे मासेस पे अपने रिजल्ट लगाते तो एक गो में एक मास पे आ जाएगा। तो मतलब हमें बहुत सारे मासेस को लेना नहीं पड़ता, एक मास से आंसर आ जाता है। ठीक है यहां तक? तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, फिर वही बात कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकलेगी कैसे। अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मैंने आपको बता दिया कि किस पे डिपेंड करेगा, सेंटर ऑफ मास डिपेंड करेगा आपके इंडिविजुअल मासेस पे। आप कहोगे मेरे मास पे कैसे? भाई मान लो मैं 500 किलो का हूं, आप सिर्फ एक 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 केजी के हो, अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, कोई रूम को बैलेंस करेगा यार, 500 किलो तो एक तरफ खड़ा हो गया, आप से एक एक किलो के 40 लोग हो टोटल, 40 किलो एक तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, हम सबके सेंटर में होगा? नहीं होगा, मेरी तरफ होगा, ज्यादा मास हो ना, मेरी तरफ होगा। इसका मतलब मेरे मास पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिपेंड करेगी, आप सबके मासेस पे भी करेगी और साथ में आपकी लोकेशंस पे भी करेगी। दो फैक्टर्स हैं, एक आपकी लोकेशन क्या है या हम सबकी लोकेशन क्या है, और हम सबके इंडिविजुअल मासेस क्या हैं, दो ही चीजों पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिपेंड करेगी। क्या ये रूल समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? तो सेंटर ऑफ मास जो है कैसे आएगा, मैं अलग अलग एग्जांपल लेके दिखाता हूं। जैसे किसी ने कहा सर इस पेन का सेंटर ऑफ मास निकालो, और पेन में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऑब्वियसली सेंटर पे ही होगा, ढूंढने की जरूरत क्या है, मास अगर बराबर बराबर है हर जगह फिर सेंटर पे ही मिलेगा। पर इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आपको बस यही क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी दुनिया भर का क्वेश्चन आएगा, वो क्यों देगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, फिर तो बच्चा पेन को हाथ नहीं लगाएगा, वो कहेगा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, वो क्यों देगा? वो सारे, अगर मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा, 100 के 100 में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, मासेस अलग अलग जगह पे होंगे, आपको ढूंढना ही पड़ेगा। पॉइंट समझ में आया, पहला पॉइंट। दूसरा, तो ठीक है, उसने कहा ठीक है काम करते हैं, डिस्क ले लेते हैं, चलो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो सबसे पहली चीज यही पूछूंगा, क्या मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? उसने बोला यस, तो मैंने कहा ठीक है सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। उसने कहा नो, इस तरफ ज्यादा है, तो फिर मैं कुछ फॉर्मूला लगा के सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मुझे निकालनी पड़ेगी। वो फॉर्मूला क्या है जो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देगा, वो फॉर्मूला हमने बनाना है आज, क्योंकि सेंटर पे तो हम निकाल लेंगे, पर अगर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुई फिर तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो लोकेशन देगा सेंटर ऑफ मास की। क्लियर है यहां तक? फिर किसी ने कहा चलो ठीक है सर एक काम करते हैं, मैं फिगर चेंज कर देता हूं, आप बताओ ये रिंग है
रिंग है। मैंने कहा ठीक है, कह रहे रिंग के ऊपर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ के ऊपर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। उसने कहा सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मैंने कहा सेंटर पे होगा। उसने कहा हवा में होगा, रिंग के अंदर तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा हवा में ही होगा, क्योंकि ये कौन सा कोई रियल पॉइंट है, ये तो इमेजिनरी पॉइंट है। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास पता है कहां पर है? रिंग के सेंटर पे है, हवा में ही है, हवा में ही है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करे। रिंग के मास तो सर्कमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा कहां पर आता है? सेंटर पे। अब सेंटर पे कोई मास एक्चुअल में पड़ा नहीं होता, पर हम ये मानते हैं कि वहां पड़ा हुआ है, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। तो समझ में आ रहा है जब मैं बोलता हूँ इमेजिनरी पॉइंट है, कि रिंग वाला एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है इमेजिनेशन वाला, क्योंकि रिंग में तो देखो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ वहां पे, फिर भी मान रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास वहां पर है। फिर किसी ने कहा चलो ठीक है, आप ये बताओ कि इस बॉडी का ये बैठा है यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? मैंने कहा इसके सेंटर में होगा, या जहां भी जो जो इसके इसकी बॉडी के अंदर ही होगा, ये तो बात पक्की है। फिर उसने कहा कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? मैंने कहा इसकी बॉडी के अंदर होगा। मेरा कहाँ पर है? मेरी बॉडी के अंदर होगा। तो ठीक है, आप सबके सेंटर ऑफ मास आपकी बॉडीज के अंदर हैं, तो फिर इस रूम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा जहां 40 लोग बैठे हैं? अब ये जरूरी नहीं कि वो किसी स्टूडेंट की बॉडी के अंदर ही मिलेगा, हो सकता है वो यहाँ हवा में यहाँ पर मिल जाए। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा हम सबके मासिस पे और हम सबके कोऑर्डिनेट्स पे। तो ये जरूरी नहीं है कि रूम का सेंटर ऑफ मास किसी स्टूडेंट के अंदर मिलेगा, बाहर भी मिल सकता है। तो ये तो कोई रूल ही नहीं ना, कोई ये ना सोचे कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही मिलेगा। हाँ, एक सॉलिड बॉडी है, हाँ उसका सेंटर ऑफ मास उसके अंदर मिलेगा। सॉलिड है, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका बाहर नहीं हो सकता, उसका अंदर ही होगा। लेकिन अगर ये सिस्टम है, सिस्टम समझते हो, ये जो क्लासरूम है बहुत सारी बॉडीज का सिस्टम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा? होगा कहीं रूम के अंदर ही कहीं पर। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, अर्थ है और मून है। अर्थ एक मास है, मून दूसरा मास है। अर्थ का मास मून से बहुत बड़ा होता है। अब ऑब्वियसली अर्थ मून का सेंटर ऑफ मास अर्थ और मून के मिड पॉइंट पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहां पे मिलेगा? किस तरफ होगा? टुवर्ड्स अर्थ होगा। वो कहां होगा ये चैप्टर आपको बताएगा। तो आपको आइडिया समझ में आ रहा है? और जबकि देखो अर्थ और मून के बीच में होगा, इमेजिनरी पॉइंट है, रियलिटी में वहां पर कुछ है नहीं। तो मैं बार बार एग्जाम्पल से ये बता रहा हूं कि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी पॉइंट है, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा आसान करेगा। ठीक है यहां तक? तो करें स्टार्ट। तो हमारा नेक्स्ट काम है क्या? हाउ टू कैलकुलेट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकलेगी कैसे, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अगर निकालनी है तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया। मैंने एक स्टूडेंट को यह कहा कि सपोज M1 मास है, M2 मास है। उसने कहा दो ही मासेस हैं क्लास में, तो कह रहे थे 40-40 मास है। मैंने कहा 40 पे भी कर लेंगे, 40 क्या, 4000 मासेस ले लेंगे, अभी दो से शुरू करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल दूंगा पहले दो पार्टिकल सिस्टम पे। तो दो पार्टिकल सिस्टम है, तो दो ही पार्टिकल्स हैं M1 M2, बस इस क्लास में दो ही लोग हैं मान लें। तो इनका सेंटर ऑफ मास कहीं, ऑब्वियसली इनका सेंटर ऑफ मास तीसरे मल्ले में तो होगा नहीं यार, होगा तो इनके बीच में ही होगा। इतनी भी ऐसे भी इमेजिनेशन नहीं है कि मैं घर में छोड़ा है सेंटर ऑफ मास और स्टूडेंट को यहां बिठा दिया, इतना भी इमेजिनेशन नहीं है, होगा इनके बीच में ही होगा कहीं पर। तो मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है। ठीक, और किसी ने कहा सर इसकी लोकेशन बताओ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की अगर लोकेशन निकालना चाहते हो तो आपको M1 M2 की लोकेशन तो बतानी पड़ेगी ना। तो मान लो M1 की लोकेशन क्या है? X1 कॉमा Y1। M2 की लोकेशन क्या है? X2 कॉमा Y2। और इसकी लोकेशन X सेंटर ऑफ मास कॉमा Y सेंटर ऑफ मास। तो जब एक स्टूडेंट ने कहा कि X1 Y1, तो मैंने कहा यार ओरिजिन तो बता दे लोगों को। कोई कहेगा ओरिजिन ये है, कोई कहेगा ओरिजिन ये, कोई कहेगा ओरिजिन ये। क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंट ओरिजिन की बात करता है, या जब भी कोई स्टूडेंट कोऑर्डिनेट की बात करता है कि मेरा M1 का कोऑर्डिनेट X1 कॉमा Y1 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसने ओरिजिन मन में माना हुआ है। तो उसको दिखाना पड़ेगा ओरिजिन क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो मान लेते हैं हमारा रेफरेंस पॉइंट ये रहा, कुछ भी मान लो ये रहा। तो इसने स्टूडेंट ने इसका जो लोकेशन बताई X1 कॉमा Y1, वो इसको ओरिजिन को रेफरेंस मानते हुए बताई। और इस स्टूडेंट ने जो बताया कि मेरा कोऑर्डिनेट X2 कॉमा Y2 है, इस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से बनाई। और जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो भी इसी रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट जरूरी है जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे,
तो कोऑर्डिनेट्स की बात होगी तो रेफरेंस पॉइंट तो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। तो किसी ने कहा कि सर ये बस यही ये, ये ये एक सिस्टम है, ये बॉडी नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये बॉडी नहीं, सिस्टम है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक बॉडी का ही सेंटर ऑफ मास निकले, एक सिस्टम का भी निकल सकता है। सिस्टम से मतलब क्या है, जैसे क्लासरूम एक सिस्टम है और ये एक बॉडी है, मैं एक बॉडी हूँ, तो मेरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास मेरे बॉडी के अंदर है, लेकिन इस क्लासरूम एक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्लास के अंदर है। तो ऐसी मान लो दो बॉडीज हैं M1 M2 और इनका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है यहाँ तक। तो एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है M1 इंटू, अगर क्योंकि दो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, एक्स सेंटर ऑफ मास एंड वाई सेंटर ऑफ मास, तो अगर आपको एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है M1 इंटू X1 प्लस M2 इंटू X2 अपॉन M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला है, याद करना है। ऐसी अगर वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है तो M1 इंटू Y1 प्लस M2 इंटू Y2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। मैथ्स वाले लोग बोल रहे थे कि ये तो कोई सेक्शन फॉर्मूला होता है मैथ्स में, वैसा वैसा देखने को लगता है, ऐसा ही लगता है मैथ्स वालों को। तो मैथ्स का इससे कोई लेना देना नहीं है, इसे मेडिकल वाले रिलैक्स रहें, कोई मैथ्स नहीं यूज होगा इस चैप्टर में, बस ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। और कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि सर आप क्या मैथ्स में कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट करे जा रहे हो, फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करो। फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं करते, पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। तो वो कहता है मैं कोऑर्डिनेट नहीं दूंगा, मैं M1 का पोजीशन वेक्टर दूंगा R1 वेक्टर, मैं M2 का पोजीशन वेक्टर दूंगा R2 वेक्टर, आप मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तू मुझे कोऑर्डिनेट देगा तो फिर मैं भी तेरे को आंसर कोऑर्डिनेट में ही दूंगा, लेकिन अगर तू मेरे को R1 वेक्टर R2 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में पोजीशन देगा, पोजीशन वेक्टर देगा, तो फिर मैं भी अपना आंसर पोजीशन वेक्टर में ही दूंगा। और क्या दूंगा, R सेंटर ऑफ मास लिख लेना यहां पे, सेंटर ऑफ मास, R सेंटर ऑफ मास इज M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है यहां तक। ये जो शीट है 67 नंबर शीट है, इस पे लिख लेना प्लीज 67, ये जरूर लिखना, सेंटर ऑफ मास की शीट नंबर डालो 67 है, फाइल में पंच कर रहे हो ना, 67 नंबर शीट बनेगी है। तो अब मैं ये बात कर रहा था कि एक सेंटर ऑफ मास हो गया, वाई सेंटर ऑफ मास हो गया, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, तो ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। दो पार्टिकल दिए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो तो एन तक हो तो कोई बात नहीं, रिजल्ट एक्सपैंड हो जाएगा। एक्स सेंटर ऑफ मास इज M1 X1 M2 X2 अप टू MN XN डिवाइडेड बाई M1 M2 M3 MN, और ऐसी वाई सेंटर ऑफ मास का M1 Y1 M2 Y2 अप टू MN YN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस अप टू MN। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला आया तो आया कैसे, तो इसके लिए क्या चलेगा, इसका प्रूफ। प्रूफ पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, लिख लो फॉर एनसीईआरटी स्कूल, स्कूल में प्रूफ करना आएगा कि फाइंड एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, लिखो फॉर स्कूल एनसीईआरटी।
देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले सपोज आपके पास दो मासेज हैं, एक मास है M1, एक मास है M2, वही सेम है, और क्वेश्चन वही है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर है, और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर R सेंटर ऑफ मास वेक्टर है। ठीक, मेरे को एक चीज का आंसर दो, अगर आप सब स्टूडेंट्स जितने भी लोग बैठे हैं, M1 M2 M3 अप टू MN, हर का अपना अपना कोई कोऑर्डिनेट है या पोजीशन है, तो सेंटर ऑफ मास मान लो आप सबका यहां पे आता है, ये रहा। ठीक, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूं, सारी की सारी क्लास इस तरफ मूव करना शुरू कर दे और चलती जाए, तो फिर सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? पहला ऑप्शन है, यहीं छोड़ दो, हम चलते हैं, वो यही रह गया, हम तो आगे चले गए। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, क्या होगा फिर? वो भी हमारे साथ ही चलेगा, चाहे इमेजिनेशन में दिखे कुछ ना, पर आपने यही बोलना है कि सर देखो ये भी पॉइंट आपके साथ चल, दिखेगा नहीं, ये तो किताबों में ही दिखेगा, पॉइंट समझ में आ रहा है? तो प्लीज ये कभी नहीं बोलना कि मासेस तो निकल गए, सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करता। जब मासेस ही मूव कर रहे हैं, जब हर कोई अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास भी अपनी लोकेशन चेंज करेगा, क्योंकि आपने ऊपर के फॉर्मूलाज में देखा कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशंस हैं वो उनके कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करती है, और अगर कोऑर्डिनेट चेंज हो गया किसी भी पार्टिकल का, तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी साथ के साथ चेंज होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो एक काम करते हैं, पोजीशन निकालने के लिए हम ये इमेजिन करते हैं कि दो लोग हैं, M1 M2 दो पार्टिकल्स हैं, और इसको ना किसी ने बाहर से फोर्स लगाई, M1 को भी लगाई M2 को भी लगाई, मतलब जैसे ये और मैं पार्टिकल हैं, इसको फोर्स लगाई, मेरे को फोर्स लगाई, तो ये भी मूव करना शुरू कर देगा, मैं भी मूव करना शुरू कर दूंगा, तो सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? तो वो भी मूव करना शुरू कर देगा, ये कोऑर्डिनेट चेंज किए जा रहा है, रुक ही नहीं रहा कहीं पर, मैं कोऑर्डिनेट चेंज किया जा रहा हूं, मैं रुक ही नहीं रहा, क्योंकि मूव करने का मतलब रुकना ना, तो सेंटर ऑफ मास भी अब कभी रुकेगा नहीं, वो भी हमारे साथ साथ कहीं लोकेशन चेंज करता जाएगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कब लोकेशन चेंज करेगा? जब दो मासेस पे क्या लगेगी? एक्सटर्नल फोर्स, जब कोई आके धक्का मारेगा तभी तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन चेंज होगी। तो मान लेते हैं इसके ऊपर वन पार्टिकल पे फोर्स लगी 1E, ई का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, 1E फोर्स लगी, और 2 के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी F2E, बाहर से लगाई एक्सटर्नल। हो सकता है कि इनके बीच में कोई इंटरनल फोर्सेस भी हो सकता है ये एटम्स हो सकता है ग्रेविटी की फोर्स हो, कुछ भी हो सकता है, उसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं। पर इंटरनल फोर्स कभी भी मोशन जनरेट नहीं करती, ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं और ये दो ब्लॉक्स हैं और हमारे बीच में टेंशन है, ये हमारे बीच में कोई भी एक फोर्स है और उस टेंशन ने मैं मूव करवाना शुरू कर दिया, नहीं। बॉडी की मोशन हमेशा एक ही रीजन की वजह से होती है, और वो क्या है? बॉडी पे अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। पर अगर मान लो किसी केस में इंटरनल फोर्सेस हैं, इंटरनल का मतलब जैसे इसने इसको जो है फोर्स लगाई, तो इसने इसको फोर्स लगाई, 2 ने M1 को फोर्स लगाई F12, और 2 को क्या फोर्स लगी? F21। पर मैंने साथ में लिख दिया कि ये हमेशा इंटरनल फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, एंड दे विल कैंसल ईच अदर, तो इसको नहीं भी लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती। पर बुक्स में लिया हुआ है तो मैंने भी ले लिया, एक लाइन लिख देंगे, दे विल कैंसल ईच अदर। तो नेट फोर्स जिससे कि ये पूरा सिस्टम मूव करेगा वो क्या है? सम ऑफ नेट सम एक्सटर्नल फोर्सेस का, फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर हर जगह लगेगा। तो ये दोनों के दोनों मासेस क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि एक पे फोर्स लग रही है F1A, दूसरे पे फोर्स लग रही है F2A, वेक्टर फॉर्म में। तो नेट फोर्स क्या लग रही है? इन दोनों का वेक्टर सम। कोई डाउट है इसमें? ये स्टेप क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, जब आप इस पे फोर्स लगाओगे तो ये मूव करेगा, एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो फोर्स क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी होगा, और फोर्स लग रही है, एक्सेलेरेशन है, वेलोसिटी चेंज भी होगी, वेलोसिटी चेंज होगी मोमेंटम भी चेंज होगा। और वैसे भी न्यूटन का लॉ क्या बोलता है? एफ क्या होता है? dp/dt, क्योंकि फर्स्ट पार्टिकल की बात हो रही है तो dp1/dt, सेकेंड पार्टिकल पे फोर्स क्या लगेगी? dp/dt ऑफ p2, पहले का मोमेंटम p1, दूसरे का p2। कोई डाउट इसमें? नेट फोर्स की वैल्यू आ गई यहां पर, d/dt
के अंदर आप ऐसे कर सकते हो, ये स्टेप की ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो टी बाई डी टी, मेरे हिसाब से कॉमन निकाल लो, डिफ्रेंसिएशन में डी बाई डी टी कॉमन आ गया। पी वन की जगह क्या लिखेंगे, एम वन वी वन वैक्टर, पी टू की जगह क्या लिखेंगे, एम टू वी टू वैक्टर, एक ही स्टेप में लिख दे। हालांकि मैंने ऐसे किया, पी वन को लिखा एम वन इंटू वी वन, एम वन कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, और पी टू को लिखा एम टू इंटू वी टू, फिर एम वन को अंदर ले गया और डी बाई डी टी कॉमन निकालिया, एक ही बात है। तो ये स्टेप सीधा आपको ये आंसर देगा, कोई डाउट इसमें? नेट फोर्स को लिख सकते हैं ऐसे, क्लियर यहां तक? तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन वैक्टर और डी बाई डी टी ऑफ एम टू वी टू वैक्टर, इक्वेशन नंबर वन। आपको ये तो पहले भी आता है, मैंने कहां पढ़ा आपने, कौन से टॉपिक में? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद है मैंने लिख के दिया था, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसमें ये इक्वेशन भी आती थी बीच में, नहीं आइसोलेटेड सिस्टम की शीट थी वो। देखो तो मेरे ख्याल से यहां तक एक्सप्रेशन क्लियर है, यहां तक एक्सप्रेशन क्लियर है कि टोटल फोर्स बहुत सिंपल तरीके से निकाली, दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम, और यहां तक आंसर आ गया। कितने पार्टिकल है सिस्टम में? दो। किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछ लिया, सर अगर ये 2000 होते फिर? मैंने कहा उसमें क्या है,
पहले फर्स्ट बॉडी से पूछ लेते हैं तेरी फोर्स कितनी है, वो बोलता है डी बाई डी टी ऑफ एम वन वी वन वेक्टर, डी बाई डी टी ऑफ एम टू वी टू वेक्टर, फिर ये चौथा पांच, 2000 लोगों से पूछ लेंगे, फिर नेट वेक्टर सम करते रहेंगे, नेट फोर्स तो निकाल ही लेंगे। तो ठीक है, मैं दो में तो ठीक है वेक्टर सम, अब कितने पैरेललोग्राम लगा लोगे 2000 बार, पागल हो जाओगे, नेट फोर्स निकलेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो नेट फोर्स इस तरीके से अगर निकालेंगे, बहुत लंबा तरीका है। अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता है जी ऐसे तो मैं काम कर नहीं सकता, इसमें आप तो 2 लाख पार्टिकल दे दोगे तो कौन करेगा नेट फोर्स का काम, मैं 2 लाख लोगों से जाके थोड़ा पूछूंगा कि आपकी नेट फोर्स के लिए टोटल हर कोई फोर्स बताएगा। तो मैंने कहा फिर तू क्या करेगा? वो कहता देखो मैं सबसे पहले मैं ये करना चाहता हूं कि हर किसी से जाके मैं फोर्स ना पूछूं, और टोटल फोर्स निकालने के लिए मैं m1 m2 m3 m4 की बजाय टोटल मास m पे ही अपना काम कर दूं। तो वो इस सजेशन देता है कि हम एक काम करते हैं, नेट फोर्स निकालने के लिए डी बाई डी टी ऑफ टोटल मास ले लेते हैं। तो मैंने कहा भाई टोटल मास तो ले लेगा, पर टोटल मास पड़ा कहां हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में तो हर किसी का मास डिफरेंट है। उसने कहा हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि टोटल मास कहां पर पड़ा हुआ है, एट सेंटर ऑफ मास। तो अगर सेंटर ऑफ मास पे पड़ा हुआ है, हर कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, हम इमेजिन कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ वी सेंटर ऑफ मास। तो नेट फोर्स अलग अलग मासेस की बजाय एक ही मास पे लगा देते हैं, और जो कहां पर पड़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास पे टोटल मास, ये ज्यादा बेटर है। यहां पर तो 2000 पार्टिकल भी हो सकते हैं, तो रिजल्ट तो 2000 तक एक्सपैंड होगा, लेकिन ये वाला मेथड एक ही लाइन में आंसर देगा, एम इन टू वी सेंटर ऑफ मास। लेकिन फायदा तब है अगर यहां से कैलकुलेट किया हुआ मेथड से जो आंसर आया, और यहां से कैलकुलेट किए हुए मेथड से जो आंसर आया, वो आंसर एग्जैक्टली सेम दे। अगर आंसर ही सेम नहीं आया, तो चैप्टर क्लोज करते हैं, फिर चलते हैं, फिर पढ़ाना क्या है, सेम तो आएगा ही, तभी तो आसान करने जा रहे हैं। तो आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगा, तो इसका मतलब ये मेथड से नेट फोर्स और ये मेथड से नेट फोर्स को हम क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है, सही आंसर देता है, तो दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके d/dt हट गया, तो मेरे पास क्या आया, m into v सेंटर ऑफ मास m1 v1 plus m2 v2, या v सेंटर ऑफ मास m1 v1 m2 v2 by m1 plus m2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मतलब अगर आज के बाद दो मासेस m1 एंड m2 आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2, दो मासेस m1 m2 मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2, तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास जो मूव करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद रहेगा, पर हमने वेलोसिटी थोड़ी ना निकालनी थी, वो तो रास्ते में आ गई, हमने निकालना है आर पोजीशन, कोई बात नहीं। हमें वेक्टर का रिजल्ट आता है, हमें वेक्टर का रिजल्ट आता है क्या, v1 वेक्टर कैन बी रिटन एज d/dt ऑफ r1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर कैन बी रिटन एज d/dt ऑफ r2 वेक्टर, और ऐसी v सेंटर ऑफ मास वेक्टर कैन बी रिटन एज d/dt ऑफ r सेंटर ऑफ मास वेक्टर। कोई डाउट इसमें? v को हम पोजीशन वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, तो v1 वेक्टर की जगह d/dt ऑफ r1 वेक्टर, v2 की जगह d/dt ऑफ r2 वेक्टर। कोई डाउट इस स्टेप में? डाउट है? मेरे से पूछ लो क्या डाउट है, पूछो उससे पूछने कह रहे थे ना, कुछ कंफर्म कर रहे थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इसके अंदर
ये टर्म आ गई। अब ध्यान से स्टेप देखना, m1 m2 को तो बाहर ही निकाल लिया, इसको तो छेड़ो मत, m1 को इसके अंदर ले जाओ, क्या बनेगा d by dt of m1 r1 वेक्टर, इसको इसके इनसाइड ले जाओ d by dt of m2 r2 वेक्टर, और दोनों में से d by dt को कॉमन निकाल लो तो क्या आएगा d by dt of m1 r1 वेक्टर plus m2 r2 वेक्टर। ये स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक। और लास्ट d by dt हट जाएगा दोनों से, तो r सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू m1 r1 वेक्टर plus m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 m2। ये एक्सप्रेशन हमने आज शीट में डिस्कस किया था कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, m1 r1 वेक्टर plus m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 plus m2, यही प्रूव करना था हमें, कोई डाउट इसमें? लेकिन ये तो उन स्टूडेंट के लिए है जो पोजीशन वेक्टर में अपना काम करना चाहते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स में करना चाहते हैं वो कर लें। जैसे अगर कोई कहता है कि मेरे को तो कोऑर्डिनेट्स में करके दिखाओ, मान लो फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x1 y1 है जिसकी पोजीशन r1 है, तो r1 वेक्टर क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ऐसी r2 वेक्टर क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। पोजीशन वेक्टर का क्या होगा, x सेंटर ऑफ मास i कैप, y सेंटर ऑफ मास j कैप। कोई डाउट इसमें? एक काम करते हैं, पुट कर लेते हैं, r सेंटर ऑफ मास की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू x सेंटर ऑफ मास i कैप प्लस y सेंटर ऑफ मास j कैप, r1 वेक्टर की जगह x1 i कैप प्लस y1 j कैप, r2 वेक्टर की जगह x2 i कैप प्लस y2 j कैप। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया ऊपर, ठीक। और लास्ट स्टेप, इसे ओपन कर लेना, m1 x1 i कैप, m1 y1 j कैप, m2 x2 i कैप, m2 y2 j कैप। जिनमें i कैप आ रहा है वो कॉमन निकाल लें, जैसे m1 x1 i कैप, m2 x2 i कैप कॉमन, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 तो हुआ ही हुआ है। ऐसी j कैप वाली टर्म्स कॉमन करें, m1 y1 j कैप, m2 y2 j cap by m1 plus m2, तो ये टर्म आ गई। और वेक्टर का रूल है, अगर दो वेक्टर्स लेफ्ट और राइट के बराबर है तो i का जो कोफिशियंट है लेफ्ट पे, i का जो कोफिशियंट है राइट पे, उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो इस i का कोफिशियंट i के कोफिशियंट के साथ रिप्लेस करोगे, आंसर आ गया। j का कोफिशियंट j के साथ कंपेयर करोगे कोफिशियंट, तो यही प्रूव करना था, x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला जब ये स्कूल में आएगा यहां तक लिख के आएंगे सारा, तीन नंबर में, तीन में। So, ये इसकी थ्योरी थी। अब इसके न्यूमेरिकल्स और एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखो, न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन में जैसे क्वेश्चन बहुत इसके इंटरेस्टिंग है, और क्वेश्चन आया एक मास है 1 केजी, दूसरा मास है 2 केजी, इस मास का कोऑर्डिनेट है 2.4 और इस मास का कोऑर्डिनेट है 1.3, तो बताओ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब देखो, आप इसको m1 मान लो, इसको m2 मान लो, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 मान लो और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लो, पता लग गए कोऑर्डिनेट्स। x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओ, m1 की जगह 1 kg, m2 की जगह 2 kg, x1 की जगह 2, x2 की जगह 1, 2 एंड 1, सॉल्व कर लो आंसर, राइट। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लिखो, y कोऑर्डिनेट में m1 की जगह 2 kg, y1 की जगह 4, m2 की जगह 2 kg, सॉरी m1 की जगह 1 kg, m2 की जगह 2 kg, y2 की जगह 3 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 1 plus 2, सॉल्व करके आंसर आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे x सेंटर ऑफ मास एंड y सेंटर ऑफ मास के, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से ये जो क्वेश्चन था उसमें पूछने वाले ने क्या दिए थे, x और y कोऑर्डिनेट्स, पूछा भी क्या x और y कोऑर्डिनेट्स,
एक सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। अब कोई स्टूडेंट मेरे को क्वेश्चन दे रहा है, दो मासेस दे रहा है वन एंड टू, पर मेरे को क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहा, मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रहा है आर वन वेक्टर एंड आर टू वेक्टर। और ऑब्वियसली अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर देगा तो मैं आंसर भी वेक्टर में ही दूंगा, तो मैं कोऑर्डिनेट्स में काम नहीं करूंगा। अब मैं क्या निकालूंगा, आर वेक्टर सेंटर ऑफ मास। क्लियर यहां तक? तो फॉर्मूला क्या था, एम वन आर वन वेक्टर प्लस एम टू आर टू वेक्टर अपॉन एम वन प्लस एम टू। तो एम वन की जगह क्या पुट करें, वन के जी, आर वन की जगह आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एम टू की जगह टू के जी, आर टू वेक्टर की जगह थ्री आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। क्लियर यहां तक? ओपन करें, इसे ओपन कर लेंगे, आई वाली टर्म में आई को ऐड, जे वाली टर्म को जे में और के वाली को के को सॉल्व करके पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ओके। ऑब्जेक्टिव शीट्स आपको मिली हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज अपनी ऑब्जेक्टिव शीट्स का प्रिंट आउट लें, रिसेप्शन पे जाके बोलें, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 30 से लेके 33 तक के प्रिंट आउट देंगे आपको, 30 से लेके 33। तो ऑब्जेक्टिव